दोस्तों गदर 2 का क्रेज अभी भी बरकरार है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। जी हाँ, दिस फिल्म हैज क्रिएटेड हिस्ट्री ऑन द बॉक्स ऑफिस। और वो क्या है हम इस वीडियो में जरूर बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन की घंटी भी ऑन कर लीजिए। गदर 2 चतुर्वेदी 450 करोड़ की आंकड़ा पार करते ही KGF 2 को पीछे छोड़ दिया है। जहां पर KGF 2 लाइफ लॉन्ग 435 करोड़ नेट इंडिया में कमाई की थी, वहीं पर गदर 2 आफ्टर द 20th डे हैज अर्न 475 करोड़ अप्रॉक्स। और इसी के साथ ये फिल्म ऑल टाइम हिट्स के लिस्ट में तीसरे स्थान पे पहुंच गई है आफ्टर पठान एंड बाहुबली द कंक्लूजन। जहां पर पठान 8000 स्क्रीन्स पर और बाहुबली 2 9000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी, वहीं पर गदर 2 सिर्फ 4000 स्क्रीन्स पर ही रिलीज हुई है। नहीं, गदर 2 फिल्म की अगर इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो अब तक इस फिल्म ने 560 करोड़ कमा चुकी है। वहीं पर अगर ओवरसीज कलेक्शन भी इसके साथ मिला दे तो अब तक इस फिल्म की कमाई 622 करोड़ हो चुकी है। अभी भी सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स में अच्छा खासा ऑक्यूपेंसी के साथ ये फिल्म बिजनेस कर रही है। इस फिल्म के सक्सेस को देखकर कुछ सवाल जरूर उठेंगे, क्या मेकर्स ने इस फिल्म के क्रेज को कम नहीं आका? आज भी गदर 1 को और इस तरह की फिल्मों को लोग कितना पसंद करते हैं, क्या वो समझने में नाकाम रहे? क्या गदर 2 को आज से 10-12 साल पहले नहीं आ जाना चाहिए था? अगर ऐसा होता तो अब तक गदर 2 की जगह गदर 3 रिलीज हो चुकी होती और दर्शकों को अब तक इस सीरीज की और एक फिल्म देखने का मौका मिलता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या यह फिल्म 500 करोड़ के आंकड़ा पार कर जाएगी? ये हमें जरूर लिख के बताइए। फिलहाल मेरे वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।